अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह मेरे फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप 12 बोर्ड्स के साथ साथ नीट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट क्रैक करना इम्पॉसिबल होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सच में 12 बोर्ड्स के साथ साथ नीट क्रैक हो सकता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको ले चलती हूँ नीट टॉपर हिमांशु, जिनकी थर्ड रैंक आई है, जिन्होंने विदाउट कोचिंग नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। इन्होंने एक इंटरव्यू क्लिप में बताया है और साबित भी किया है कि नीट क्रैक करना विद बोर्ड्स इज नॉट अ बिग डील। हिमांशु, नीट क्लियर कैसे किया आपने, कैसे डूल रहा? नीट का ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो इस वजह से पूरी प्लानिंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए 8 से 10 घंटे का टाइम मैंने अलॉट किया अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और पूरा अच्छे से शेड्यूल बनाता था कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ब्रेक लेना है और ये टॉपिक मुझे आज करना है, ये कंसेप्ट मुझे अब क्लियर करना है। तो पूरी प्लानिंग से करता गया, लेवल वाइज करता गया, तो कोई दिक्कत मुझे रिविजन के टाइम पर भी नहीं आई और प्रेशर भी इतना फील नहीं हुआ कभी। और रैंक आज आपके ये रिजल्ट सामने है। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट में हासिल कर लिया आपने? यस सर, फर्स्ट अटैम्प्ट में ये हासिल कर लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये होता है कि आप एक फ्लो में चले जाते हैं बोर्ड्स के साथ साथ, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पर भी आपको रिविजन करनी होती है और नीट के टाइम पर, और उस टाइम पे प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं होता है। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं और बोरिंग सा फील करने लग जाते हैं बार बार सेम चीज को पढ़ते हुए, तो हम एक फ्लो में चलता गया। बोर्ड की तैयारी, नीट की तैयारी साथ साथ की थी, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करते हुए, तो एक बार में हो गया। सो फॉर दिस क्वेश्चन इट इज अ बिग यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट विद बोर्ड एग्जाम्स, यानी आपको ये दोनों चीजें एक साथ करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट यू नीड बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड परफेक्ट टाइम टेबल दैट इज विद कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज जीरो डिस्ट्रैक्शंस। ओके, यानी कि आपको हर दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। बट साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सब आइडियल कंडीशंस हैं जो सबके साथ पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपके पास गुड माइंडसेट है और डेडिकेशन है, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ करना पड़े, अगर ये एटीट्यूड आप में आ गया तो आप हर सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। यकीन मानिए, जो वर्ड्स मैंने बोले हैं आई रियली मीन इट, बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू ऑल दिस। क्योंकि जब भी मैं मोटिवेशनल वीडियो कंटेंट देखती थी या सुनती थी, तो सब यही तीन आइडियल कंडीशन बताते थे जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होती हैं, बट एक चीज़ कॉमन हो सकती है, वो है आपका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट और डेडिकेशन। फिर आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक आवर सिचुएशन आइडियल टू क्रैक नीट एग्जाम विद बोर्ड्स। तो इस आंसर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास आपके कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस ये वर्ड आते ही एक अलग तफसीली बात शुरू हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में आते हैं आपके साइकोलॉजिकल नीड्स एंड इमोशनल थॉट्स, और एक्सटर्नल में होते हैं कुछ टॉक्सिक पीपल्स या फिर कोई टेक्नोलॉजी। मेन सवाल ये आता है कि हाउ टू अवॉइड, आप इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन, प्रिपेयर योर सेल्फ। कैसे प्रिपेयर करेंगे? विद प्लानर। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम गैजेट्स। सपोज आप फोन के लिए जैसे आप पढ़ने बैठो तो उसे एयरप्लेन मोड पर कर दीजिए या फिर उसे टर्न ऑफ कर दीजिए। नंबर थ्री, आप कोई भी इंटरनेट एक्सेस को ऑफ करेंगे। आपको जो भी वीडियो कंटेंट अपना पढ़ने के लिए रखना है, आप उसे बिफोर हैंड ही डाउनलोड करके रखिए। नंबर फोर, Try to avoid people who disturb you while studying. For example, वो कोई भी नेबर हो सकता है डिस्टर्ब करने वाला, या कोई फैमिली मेम्बर जैसे कि कोई यंगर सिबलिंग। नंबर फिफ्थ, हैव अ हेल्दी स्नैक बिफोर हैंड। आपको खाली पेट नहीं रहना है पढ़ते वक्त। और नंबर सिक्स, स्लीप। आपकी जो नींद है, यू शुड हैव इनफ आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर हैंड। क्योंकि एक एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट है कि स्लीप जो है वो आपकी मेमोरी को, आपकी कंसंट्रेशन पावर को और आपकी ब्रेन फंक्शन को इफेक्ट करती है। तो पढ़ने के लिए आप एक ऐसा कॉर्नर चूज करेंगे जहां सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस हो। किसी न किसी स्पेसिफिक टाइम पर तो कम हो ही सकती हैं, तो उस टाइम को अपना बेस्ट टाइम बनाइए। किसी भी बेस्ट जगह पढ़ने की चूज करके बैठ जाइए। अब आप कहोगे, अरे मेरे पास तो एक टेबल या कोई कॉर्नर
होना ही चाहिए पढ़ने के लिए, जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। तो साइंस क्या कहती है ये देखिए कि जगह बदल कर पढ़ने से आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए। फिर तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, जगह बदल बदल कर पढ़ना या कोई स्पेसिफिक कॉर्नर ना होना, ये तो आपके लिए एक एडवांटेज हो गया पढ़ने के लिए, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पढ़ना कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर वन, अब हमारे पास जगह भी है, टाइम भी डिसाइड हो गया, और अब आगे क्या किया जाए। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखिए और उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उसको उठाइए और उसकी डिटेल्ड स्टडी करिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइए। कितनी बार पढ़ना है आपको? कम से कम 2 बार। और जब आप उसे रिवाइज करें तो फटाफट रिवाइज करें, फास्ट रिविजन करें माइंड में इमेज बनाते हुए। और फिर माइंड में ही सेट कर लीजिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये टॉपिक आ गया, तो लिखना कैसे है, कौन से पॉइंट्स को प्रायोरिटी देनी है और कौन से पॉइंट्स लास्ट में लिखने हैं। तो इस तरह वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर नीट के लिए क्या करना है, तो नीट के लिए आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के MCQs को देखिए और उसका पैटर्न समझिए। उसमें 60-70% तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपने टॉपिक डिटेल पढ़ा है वो आपको इजीली हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड हो, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो आप उनको मार्क करके रख लें और उनके आंसर को और उसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें, और रिवीजन के टाइम के लिए उसे हाईलाइट करके रखिए। और जो डाउट्स आए उन्हें कोशिश करिए कि आप हैंड टू हैंड उनको समझ लें, उनके एक्सप्लेनेशंस को। चीज़ों को पाइल अप नहीं करना है, सॉर्ट आउट करते जाना है एक प्लानर के साथ। और इस तरह आप NCERT के सारे टॉपिक्स को कवर करते जाइए, फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सारे ही आपको टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करते जाने हैं और तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च करके एक ऐसा टाइम टेबल लाएंगे जो सबके लिए फीजबल हो, जिसे आप अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएं। तब तक के लिए अलविदा, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।